नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर माह में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल कृष्ण पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति 1000 गायों का दान कर पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य आप आंवले के एकादशी व्रत को करके प्राप्त कर सकते हैं। हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में आंवले का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके वृक्ष की पूजा होती है और भगवान को आंवले का भोग भी लगाते हैं। भक्त प्रसाद स्वरूप आंवले का ही सेवन करते हैं, दान में भी आंवला देते हैं। दोस्तों, ऐसे में आंवले की एकादशी पर आंवले की पूजा का विशेष महत्व है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हो चुकी थी। ब्रह्मदेव अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को नहीं जानते थे। वो जानना चाहते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म का कारण क्या है। उनके मन में कई तरह के प्रश्न थे। उनके उत्तर के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वो कई वर्षों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के आंसू बहने लगे। ब्रह्मदेव के उन आंसुओं से ही आंवले का पेड़ जन्मा। भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ को देव पेड़ बताते हुए कहा कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होगा। जो भी मनुष्य आंवले के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, उसके समस्त पाप मिट जाएंगे और वो मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तब से हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवले की एकादशी व्रत रखा जाने लगा और आंवले के पेड़ की पूजा होने लगी। आंवला नवमी के दिन भी आंवले के पेड़ की पूजा होती है। ऐसे में दोस्तों, आंवले की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 से होगी। आंवले की एकादशी तिथि की समाप्ति 3 मार्च को सुबह 9:11 से होगी। आंवले की एकादशी पर विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:45 से सुबह 11:06 तक रहेगा। दोस्तों, आंवले की एकादशी की पूजा विधि भी कुछ इस प्रकार से है। आंवले की एकादशी में आंवले के फल का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आंवले की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें और उनकी विधिवत तरीके से पूजा करें। श्री विष्णु को रौली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित जरूर करें। इसके बाद आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। द्वादशी को स्नान करने और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे सामर्थ्य के अनुसार दान भी दे सकते हैं। दोस्तों, खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसे में इन दिनों कुछ चीजों का सेवन निषेध माना गया है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। आंवले की एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और शुभ उपायों के बारे में। दरअसल दोस्तों, मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, आंवले की एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद गाय माता के लिए गुड़ और रोटी को मिलाकर चूरी बनाएं और उसे ले जाकर के गाय माता को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाएगा।
दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रोजाना दिया या दीपक जलाने से सुख एवं समृद्धि हासिल की जा सकती है। माना जाता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर जो भी काम किया जाता है वो सफल होता है। तो दोस्तों, इस दिन आप ये उपाय अपना सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, शाम के समय आमलकी एकादशी के दिन ताजे आटे से एक दीपक तैयार कर लें। अब उसमें सरसों का तेल भरकर एक रुई की बाती लगा के और उसे अपने घर की छत पर एक उपले के ऊपर रखकर दीपक प्रज्वलित कर दें। इससे आपके ऊपर जितने भी दोष लगे होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन घर में एक पौधा जरूर लगाएं। आप घर में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छे भाग्य के लिए पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन घर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की तस्वीर को मंदिर में रख सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम इस दिन तुलसी की सेवा अच्छे से करते हैं, हमें अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। इसी के साथ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करें और इसकी परिक्रमा करते हुए 7 बार सूत का धागा लपेट दें। इससे आपके जीवन साथी की हर इच्छा पूर्ण होने का वरदान मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, सभी मनोकामना की पूर्ति और श्री हरि की कृपा पाने के लिए एक साफ पीले रंग के कपड़े रुमाल के बराबर काट लें, इसके चारों ओर गोटा लगाएं और एकादशी के दिन श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय हैं, इसीलिए आमलकी एकादशी के दिन 21 पीले फूल चढ़ाएं। आप इन फूलों की माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहेगी। मान्यता है कि पूजा के समय पीले रंग के कपड़े में एक एकाक्षी नारियल रखें और उसे लपेट कर रख दें। पूजा के बाद इसे किसी साफ जगह पर रखें। कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नौकरी या बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आमलकी एकादशी के दिन एक लोटा जल आंवले के पेड़ में चढ़ाएं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में कई सारे उपाय बता दिए हैं। आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं ताकि शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो सके, आपके मन की इच्छा पूरी हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।